थे क्योंकि भैया हम तो बिल्कुल घबरा गए थे। क्यों, तुम काहे घबरा गई थी पगली? हमको कहा लगा कि वो चोर ना दादी माँ के नुस्खे वाला किताब ले गया है, लेकिन वो तो नानी माँ के नुस्खे ले गया। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ ना पगली कि वो नानी माँ के नुस्खे वाली किताब ले गया। तुम ही कहती थी ना कि नानी माँ के नुस्खे बहुत खतरनाक होते हैं, उससे नाना जो है वो टाए बोल गए थे। हाँ क्योंकि भैया ये बात हमको अम्मा जी बताई थी, लेकिन ना हमको वो चोर का बहुत चिंता हो रहा है, बहुत चिंता। चोर का चिंता तुम्हें काहे हो रहा भाई? वो कहा है कि अगर वो नानी माँ के नुस्खे आजमाएगा और अगर वो टाए बोल गया तो। मम्मी अरे तो अच्छा है ना, टाइम बोल जाए तो हमें क्या है। अरे ऐसे काहे बोलते हैं, वो भी तो एक तो इंसान ही है। विभूति तेरा तो बैंड बज गया। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। इतनी थकावट हो रही है, इतनी नींद आ रही है, अब जैसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो दादी माँ के नुस्खे वाला काढ़ा बना के दे दें यार। भाभी जी, भाभी जी, ओ गॉड, आ रहे आ रहे हैं। अरे यार तो सो रहे हैं। परभूती जी, परभूति जी, परभूति जी, ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। परभूति जी, भाभी जी, I love you। क्या बोले? भाभी जी कैसी हैं आप? हम तो एकदम ठीक बा, लेकिन हमको आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। Now, I'm absolutely। तो फिर सो गए। भरभूति जी, भरभूति जी, I'm absolutely fine, भाभी जी, as you can see। हाँ, लेकिन आप बार बार सो कह रहे हैं। भाभी जी क्या है कि आपके हसीन साय में बड़ी सुकून की, बड़ी इत्मीनान की नींद आ रही है, दिल कर रहा है कि आपके साय में सो सो के मर जाऊं। तो फिर सो गए। भरभूति जी, इतनी जोर से नींद आ रही है, पता नहीं फिर नींद आ जाएगी लगता है, इससे पहले कि मैं अपनी बात बोल ही दूं भाभी जी को। ये क्या बोल रहे हैं आप, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी एक्चुअली क्या है कि मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा उदास रहता है, बड़ा थका थका सा रहता है, उसे बहुत नींद आती है, वो बात बात पे सो जाता है। अच्छा फिर सो गए। परभूति जी। Yes, भाभी जी। हाँ, आप हमको अपने वो दोस्त के बारे में बता रहे थे, तो हमको बताइए का मदद करे उसका। भाभी जी एक्चुअली क्या है कि जो काढ़ा आपने तिवारी जी को बना के दिया ना, वही काढ़ा आप उसको बना के दे दीजिए, उसकी लाइफ पैक्ट हो जाएगी। आप फिर सो गए। भरभूति जी। Yes, भाभी जी। हाँ, हम वो काढ़ा बना देंगे उसके लिए, ठीक बा। ओके भाभी, थैंक सो मच। भरभूति जी, आई लव यू। क्या बोले? थैंक यू। हाँ ठीक बा, हमारी तरफ से भी था उनको वेरी स्मूथ। आई लव टू। दिया भरभूति जी, चलता हूँ भाभी जी। हाँ ठीक बा। परभूति जी, yes, आपका घर वहां नहीं है, यहाँ है। लेकिन भाभी जी मैं एक राउंड लेके जाऊंगा, माथे का स्टोन। ओह गॉड, ठंडा कर रखा है कमरा, क्या हो गया अनु को यार? माय गॉड, मुझे लगता है इस बार इसकी ग्रूमिंग क्लासेस की सारी कमाई बिंदी का बिल भरने में जाएगी। ठंडा नींद आ रही है।
आ गए। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। बेबी तुमने इतना ठंडा कर रखा कमरा, ऐसे एकदम शिमला हो रखा है यार ये तो। मैंने इसीलिए तो ये एसी लगाया है ताकि पूरा घर में शिमला का माहौल बन जाए और तुम्हारा रोमांस करने का मूड बन जाए। एक्चुअली क्या है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार कि नहीं बन रहा है वो मूड अपना वो रोमांस का यार। I'm sorry. तो कब बनेगा तुम्हारा रोमांस करने का मूड? बुढ़ापे में? ना खर्चा करके मैंने यहाँ पर एसी लगवाया, शिमला का माहौल होगा और तुम्हारा रोमांस करने का मूड बनेगा। अब बनेगा तब बनेगा, लेकिन तुम्हारा मूड तो बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। बेबी बनेगा, सब्र रखो ना, सब्र रखो। क्या सब्र? कल रात से तुम्हारा यही नाटक चल रहा है। तुम तो ऐसे नखरे कर रहे हो जैसे औरतें नखरे करती हैं। बेबी नखरा नहीं कर रहा हूँ यार, नखरा नहीं कर रहा हूँ। तुम नहीं समझ रही मेरी मेंटल कंडीशन क्या है इस वक्त। क्या समझो तुम्हारी मेंटल कंडीशन को? तुम्हारी मेंटल कंडीशन को समझते समझते मेरी मेंटल कंडीशन खराब हो रही है। नहीं देखो, तुम अपनी मेंटल कंडीशन स्टेबल रखो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज रात को कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज रात को कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं भी एसी बंद कर दो, ठिठुर के मर जाऊंगा नहीं तो। ठीक है, अब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ। ठीक है, देखो अगर आज रात को तुम्हारा मूड नहीं बनाना तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया है। अच्छा सुनो, तुमको और उबैल को दोनों को आज रात जो है जगराते पे चलना है, हैं? और अगर रात भर दोनों पति पत्नी जग लिए तब माता जी की विशेष कृपा होगी और धन का लाभ भी होगा, हैं? हाँ ठीक बा अम्मा जी। ठीक, प्रणाम अम्मा जी। अरे गोरी बिटिया, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। आइए अनीता जी, खुश रहो। हेलो अंगूरी जी। हेलो, बैठिए। क्या बात है अम्मा जी, आप कुछ धन लाभ की बातें कर रही थी। अरे गोरी बिटिया, हम क्या कहते हैं, तुम भी चलो हैं माता जी के जगराते पे। माता जी के जगराते पे? हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। देखो बिटिया, ये जो है पेशल जगराता है, इमा पति पत्नी साथ में जगते हैं रात भर तो माता जी की विशेष कृपा होती है। अच्छा। और धन का लाभ भी होता है। फिर तो मैं ऐसी स्पेशल जगराते में जरूर जाऊंगी। बस माता जी की थोड़ी धन लाभ की कृपा मुझ पर भी हो जाए ना अम्मा जी, तो मेरी तो जिंदगी सुधर जाए। अरे काहे नहीं होगी, जरूर कृपा करेंगी माता जी। अब बहुरिया जाओ, तनी जलपान का प्रबंध करो, जाओ। हाँ अभी लाते हैं। हाँ। बैठिए अनीता जी। कैसे हैं आप? एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। अब नहीं रहेंगे। क्या कहा आपने? मैंने कहा आपको देख के मुझे बड़ा प्राउड महसूस होता है कि आप इतने चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हैं। और ये जो ऑल ऑफ अ सडन चेंज आया आप में, ये कमाल है वैसे तो। वो तो ठीक है, लेकिन क्या बात है, आज आप हमारी बड़ी भूरी भूरी सी प्रशंसा कर रहे हैं जबकि अक्सर आप हमारे गुर्दों में उंगली किए रहते हैं। आचार्य जी, आई एम सॉरी, मैं गाय बगाए आपकी बुराई करता रहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, बड़ा प्यार है। मेरे दिल में आपके लिए एक जगह है, टिकटॉक कॉर्नर। यू नो, जिस दिन मैं देखूं ना भाभी जी को, मतलब जिस दिन मैं देखूं नहीं आपको, तो मुझे लगता है कि एक खालीपन है मेरे में, एक वॉइड सा आ गया है, नो आई मिस यू सो मच। ठीक है, ऐसी फीलिंग हमें भी होती है। जब भी दिन में एक बार हम भाभी जी के मतलब आपके दर्शन ना कर लें तो हमें लगता है जैसे हमारी कोई बहुत ही कीमती चीज खो गई है। वेल तिवारी जी, इसी बात पे मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं। अरे ये क्या है? ये है ग्रीन हॉर्स। ये आप जैसे घोड़े की ताकत वाले जवान मर्दों के लिए स्कॉटलैंड में बनाई गई स्कॉटिश पानी से नो माल्ट विस्की है। वाह क्या बात है, क्या बात है भैया, कौन सी बूटी सूंघ के आए? बड़ा करंट दौड़ रहा है आपकी बॉडी में। मेरे बॉडी में 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। कहाँ है बैठ? 440 वोल्ट का करंट, आई लाइक इट। देखो तुम्हें सारी रात जागना है, हाँ? अगर हम रात भर जागेंगे तो ही हमें धन मिलेगा। या बेबी, तो मेरी फिक्र मत करो,
मैं सारी रात माता की भेंटों में नाचूंगा। हाँ। सारी रात मेरे अंदर इतनी सरप्रेस एनर्जी है कि आई कांट हेल्प इट। मुझे फिर तिवारी जी की हो रही है और पीछे उम्र है। गॉड हेल्प हिम। ओ गॉड। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? आपके संस्कार गए गुहिया के खेत में। जय माता दी। अजय लड़की भैया तो सो रहे हैं। लड़की भैया अजय सोना नहीं है, जागना है, तभी तो धन मिलेगा, उठिए। हमें बहुत जोर से नींद आ रही है पगली, हमें सोने दो। नहीं नहीं सोना नहीं है, उठिए ना। अम्मा जी अम्मा जी। अरे का हुआ बहुरिया है, काहे बुला रही है? देखिए ना अम्मा जी, लड़की भैया यहाँ सो रहे हैं जगराते में। ये भगवान, ये बैल का हम का करे हैं? जागे अम्मा जागे। मल का होगो, मल मल का होगो। वो यार सारे करवे माता के जगराते में बुरा काम कर रहे ना, जूता चप्पल चुरा रहे, तो माता ना गुस्से में आकर ना शेर भेज दूरी। सही कह रहे हो तू यार, ये हमें फाड़ डालेगो यार, सारे फाड़ेगो ना, चीरे को भी। बढ़ रहे है यार। ठीक है, ये तो पहलो शेर है जो दो पैरन पे चल रहा है यार। जो शेर तुम्हें ना चीरेगो ना फाड़ेगो, जो सीधो तुम्हें हवालात में डालेगो। दरोगा जी, लेकिन आप तो अगली माता की भेंट प्रस्तुत करने से पहले एक एक मिनट का विश्राम विश्राम ले। नो विश्राम फॉर मी, आई एम ऊजिंग विद एनर्जी। अरे का हुआ पंडित जी है? अम्मा जी, पंडित रामफल जी ने ना आपको एक संदेश भेजो है। हाय राम, का संदेशा भेजे है? वो उनसे एक भूल है गई है। हाँ तो वो भूल तो हमको पता है ना। ना ना अम्मा जी, मैं बाबूल की बात ना कर रहा हूँ, ये अलग भूल है। दरअसल जा जगराती में पति पत्नी है, जागनो ना हो सुनो। तभी माँ लक्ष्मी भैया की कृपा बरसेगी। क्या बात कर रहे हो हैं? पंडित जी से पढ़वे में थोड़ी सी गलती है गई। दरअसल जा जगराती में दोनों पति पत्नी जागेंगे तो कछु ना मिलेगो, सोंगे तो सोनो ही सोनो मिलेगो। क्या क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? इसका मतलब जगराते में जगना नहीं था, सोना था? हाँ भाभी जी। अरे विभू विभू, तुम बैठ जाओ, तुम यहाँ हो तो तुम यहाँ हो, सो जाओ सो जाओ। नहीं, मैं सो नहीं सकता, मेरे अंदर एनर्जी फट रही है। आई कांट कंट्रोल दिस एनर्जी। सुना पंडित जी का बोल रहे हैं, उठिए उठिए जागिए। ओहो बहुरिया मत उठा, उठना नहीं है, सोना है, सोने दो। ए बैल सो सो, आजा आजा सो, तुमको भी सोना है, साथ में सो जाओ। ठीक बा ठीक बा, सो जाओ। समझ में नहीं आता तुम्हारी किस्मत भगवान ने किस मूड में लिखी थी। जब जोश और चुस्ती फुर्ती की जरूरत थी तब तुम बीमारों की तरह इधर उधर सो रहे थे, और जब पंडित जी ने कहा कि सो जाओ तो नींद तुमसे कोसों दूर है। क्या करूं मैं तुम्हारा, क्या करूं मैं तुम्हारा, क्यों होता है तुम्हारे साथ ऐसा? मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम यार? भगवान से पूछो जाके, भगवान से। मैं तो वही करने की कोशिश करता हूं जो तुम मुझे कहती हो। तूने फरमाइश की कि मैं जोशीला बन जाऊं, मैं जोशीला बन गया, मैं जोशीला बन गया, तो पंडित जी कहते हैं कि सो जा। जिसके अंदर इतना जोश भरा हुआ है वो सो कैसे सकता है यार? मैं क्या करूं इस जोश का, जिस सरप्लस एनर्जी का? व्हाट शुड आई डू विद दिस?
इस जोश का सही जगह इस्तेमाल करो। कैसे करो इस्तेमाल बताओ मुझे, दीवारों से सर मारू, चढ़ जाऊं पेड़ पे, गुलाटियां मारूं, करूं तो करूं क्या? ओहो, दीवारों से सर मारने और पेड़ों पे चढ़ने के अलावा भी कई ऐसी जगह है जहां तुम इस जोश का इस्तेमाल कर सकते हो। बताइए कौन सी जगह, बताइए, टेल मी। रोमांस। तुम्हारी गाड़ी हमेशा रोमांस के स्टेशन पे आके रुक क्यों जाती है, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि तुम्हारी गाड़ी कभी रोमांस के स्टेशन पे नहीं रुकती, हमेशा मुझे चेन खींचनी पड़ती है। ट्रेन की चेन की बात कर रही हूँ। टेल मी, करना क्या है? सुनो ना विभू, मेरे दिमाग में ना एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इमेजिन करो कि तुम अजनबियों की तरह घर में आ रहे हो, मतलब जैसे तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, तुम्हें जोरों से प्यास लगी है और तुम घर के अंदर आए हो। प्यास मुझे नहीं, प्यास तुम्हें लगी है। क्या? अच्छा, क्या करना, आगे क्या करना है? टेल मी। अरे आगे क्या करना है वो तब देखेंगे ना, मूड के हिसाब से। बहुत झगड़ा चल रहा है यार, कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। इतनी दूर मत जाओ ना, थोड़ी दूर यहीं से आ जाओ और ज्यादा अटेंशन भी मत लेना। दरवाजा बंद कर दूं? नहीं, दरवाजा खुला रखो, थोड़ा थ्रिल रहता है ना। यस, तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। शुक्रिया आसिन। क्या कहा तुमने? मैंने कहा शुक्रिया मैडम। तो क्या नाम है आपका? रमेश, रमेश बाबू। बड़ा प्यारा नाम है आपका। और आपका क्या नाम है? मेरा? मेरा नाम है अनीता। आपका भी बहुत प्यारा और मिलनसार नाम है। आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? देखिए ना, इतने बड़े घर में मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। आप तो कुंवारी हैं? हाँ, कुंवारी ही समझ लीजिए। एक हस्बैंड है जो नाक के बराबर है। कैसी बहू है ये, उस ठंडे से अपने पति की बुराई कर रही है। आप अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या करूं, मेरा हस्बैंड किसी काम का ही नहीं है। किसी भी काम का नहीं, इससे क्या मुराद है आपकी? अब आपको क्या बताऊं रमेश बाबू, अब आप जानकर भी क्या करेंगे? आप तो एक अजनबी मुसाफिर हैं, दो घड़ी बैठेंगे, एक ग्लास पानी पिएंगे, अपनी प्यास बुझाएंगे और चले जाएंगे। और मैं यहाँ अकेली जान अपने अकेलेपन की आग में ऐसे ही जलती रहूंगी। आप किसी को अपना क्यों नहीं बना लेते? किसको बनाऊं अपना, कौन है यहाँ पर? आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आप हसीन हैं, जवान हैं, टेम्पटिंग हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, हैट लगाए, मफलर लपेटे, आई एम श्योर। साफ साफ क्यों नहीं कहता है भूतनी के कि तू इस लड़की को कपचियाने के चक्कर में? अब जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई कोई क्या करे, तेरा क्या कसूर है? अब इस वसीयत का क्या फायदा? जो आदमी एक औरत को नहीं संभाल सकता वो 20 करोड़ की दौलत को क्या संभालेगा? लौंडे पत्ते छोटे बड़े नहीं होते, कई बार बादशाह बेगम वो काम नहीं कर पाते जो दुगी तिगी कर जाते हैं। चल चल, ये बात है रही भैया, तो फिर ये रही मेरी 50 रुपये की चाल। हाँ भैया जी, मौके बिना 50 की आ गई। क्या बे लौंडे, पत्ते बड़े दमदार आ गए, तभी बहुत चल रहा है।
मैंने पत्ते देखे नहीं अभी, ब्लाइंड में खेल रहा हूं। 50 की चाल। ये मेरे पास आखिरी 50 रुपये आ रहे हैं, तो मेरी आखिरी 50 रुपये की चाल आ रही। जे मौके भी ना 50 की चाल आ गई। 100 की चाल। भैया मेरी तो पैक है रही है, जे के है गए टायर पंचर भैया। भैया ये बहुत पहुंचे हुए जुआरी हैं, इनसे जीतना बहुत मुश्किल है। आइए तिवारी जी, उदास हो जाएं। देखिए वैसे तो हमें पता है कि हम आपसे खेलकर हारने वाले हैं, लेकिन आपने जुए की ऐसी लत लगा दी है कि बस रहा नहीं जा रहा है। आओ भैया, आप हमारी जगह ले लो, अपनी जेबें खाली कर लो अभी। आओ खेल रहे हैं क्या? कोशिश कर रहे हैं। ये लीजिए 100 की चाल। मौके भी 100 के आगे भैया। ये मेरे 200 की चाल। बारह बज गए, इस आदमी का कहीं अता पता नहीं है। सारे दोस्तों को फोन लगा लिया, सब अपने घर पहुंच गए, और विभू को देखो ना, फोन उठा रहा है ना घर पहुंच रहा है। क्या करूं मैं इस आदमी का। गोली मार दो, किस्सा खत्म हो जाएगा। वंस एंड फॉर ऑल। क्रिमिनल खानदान से होती ना तो मैं वो भी कर देती। क्रिमिनल होने के लिए खानदान का क्रिमिनल होना जरूरी नहीं है। अच्छे अच्छे खानदान के लोग भी मैंने क्रिमिनल होते देखे हैं। यानी कि तुम मुझे क्रिमिनल बनाना चाहते हो? ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। तो क्या इरादा है तुम्हारा, क्या चाहते हो आखिर तुम? मेरा कोई इरादा नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। क्यों मेरा दिमाग खा रही है? दिमाग मैं नहीं खा रही हूँ, तुमने मेरा दिमाग खाया है। मैंने क्या खाया तुम्हारा दिमाग यार? कहाँ से आ रहे हो तुम इतनी रात में? एक्चुअली वो प्रेम का उसकी बीवी का झगड़ा हो गया था, सुलह करा के आ रहा हूँ। प्रेम के वकील हो क्या? दोस्त हूँ उसका। अच्छा तो तुम प्रेम के घर थे ना? Yeah. Sure? I think I'm very sure. ठीक है तो तुम प्रेम को अभी फोन लगाओ। लगाओ लगाओ फोन लगाओ। अरे क्यों लगाओ फोन यार, अभी भी झगड़ा उनका सुलझा है तो मियां बीवी से रोमांस कर रहे होंगे यार, लवी डवी होंगे। जी नहीं, मैं प्रेम को ऑलरेडी फोन लगा चुकी हूँ। प्रेम हवालात की हवा खा रहा है। पप्पू सिंह ने उसे जुए घर से रंगे हाथों पकड़कर हवालात में बंद कर दिया है। अब और कोई बहाना है तुम्हारे पास? सोच लो, और भी कोई बहाना सोच लो। अनु, रात बहुत हो गई है, इस बारे में सुबह बात करें। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त बात करनी है। तुम इतनी रात को कहां से आ रहे हो? यार मैं कोई गलत काम करके नहीं आ रहा हूं। हां तो ठीक है ना, गलत काम करके नहीं आ रहे हो तो बता दो ना कहां से आ रहे हो। मैं चाय की दुकान पर। क्या कर रहे थे तुम चाय की दुकान पर? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा था बस। तुम चाय की दुकान पर थे और तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे? मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा था। I really don't know what I was doing. Excuse me. अरे विभू, अरे बात का जवाब तो दो, मैं पूछ रही हूँ तुमसे, तुम क्या कर रहे थे? भाभी जी घर पर हैं। भाभी जी। अरे अरे प्रणाम भाभी जी। हाँ हाँ प्रणाम पंडित जी, बैठिए ना बैठिए। कैसे बा? भाभी जी हम तो ठीक हैं, आप कैसी हो? हम भी एकदम ठीक हैं। अब बताइए कैसे आना हुआ?
भाभी जी आपके लिए ना एक चिंताजनक खबर है। हदिया का चिंताजनक खबर लाए हैं? भाभी जी कल रात को हम आप लोगों की कुंडली देखे आते, मतलब आपकी और तिवारी भैया की। हाँ तो क्या बोल रहा है, हमरा और लिटी के भैया का कुंडली? भाभी जी तिवारी भैया की कुंडली में ना सभी ग्रह उथल पुथल मचा रहे हैं। और उनको जो शुक्र है ना वो खास करके उनकी बुद्धियां फिर भी पैतलो भयो है। उससे क्या होगा? भाभी जी उन्हें भटका देगो, मतलब हो सके तिवारी भैया कौ औरत के चक्कर में भटक जाए। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा पंडित जी, अगर आपको दक्षिणा चाहिए तो आप साफ साफ कह दीजिए ना कि आपको दक्षिणा चाहिए। हमारी अंगूरी जी का दिल बहुत बड़ा है, आपको सारी दक्षिणा दे देंगी। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात ना है, हमें तो जो कुंडली बतावे वो हम आप लोगों ने बतावे, और हमारे गुरु पंडित रामपाल जी ने ऐसा कोई के साथ धोखाधड़ी कर वो सिखाई हुई ना है भाभी जी। अच्छा ऐसी बात है तो मेरी कुंडली देख कर बताइए, अगर आपकी भविष्यवाणी सही निकली तो मैं आपको मान जाऊंगी। भाभी जी वैसे हम कल रात को आपकी भी कुंडली देख रहे थे। क्या लिखा है मेरी कुंडली में? अब भाभी जी आप बताइए ना, आपकी कुंडली कह रही है कि आने वाले दिन में ना काउ क्लब में डांस करती दिखोगी सबके सामने। तू मेरा मालिक नहीं है, अगर तू मेरा मालिक होता ना तो तू मुझे बेरोजगारी के दलदल में ना धकेलता, मेरी ये हालत ना होती। God. This is very unfair. इतना निराश होने की कोई जरूरत नहीं है नौजवान, लगता है उस ऊपर वाले ने तुम्हारी पुकार सुन ली, शायद इसीलिए उसने हमें तुम्हारे लिए भेजा है। मैडम मैंने आपको पहचाना नहीं। जौहरी हूँ, जमाने की खाक में लिपटे हुए हीरों को तराशने का काम करती हूँ। माफ कीजिएगा मैडम, आप गलत जगह आ गई हैं। मैं हीरा नहीं हूं, मैं तो रास्ते का पत्थर हूं जो जमाने की ठोकरें खा रहा है। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। नो, ये कसूर तो है उस जालिम जमाने का जिसने तुम्हें इतने दर्द दिए, इतने जिल्लत दिए कि तुम अपनी चमक खो बैठे हो। लेकिन मैं तुम्हारे वजूद पर लिपटी हुई उस जिल्लत की धूल को साफ करके तुम्हें ऐसे तराशूंगी कि तुम्हारी चमक से सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी। That's a promise. माफ कीजिएगा मैडम, आपने इस नाचीज में ऐसा कौन सा हुनर देख लिया जो आप इस नाचीज के लिए इतना सब कुछ करने को तैयार हैं? तुम पत्तों के जादूगर हो। मैंने तुम्हें ताश खेलते हुए देखा है। वो तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए खेल लेता हूँ। नो 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 नो, अब तुम टाइम पास के लिए पत्ते नहीं खेलोगे, तुम पत्तों से बेशुमार दौलत कमाओगे, और इतनी दौलत कमाओगे कि सारी दुनिया तुम्हारे कदमों पे होगी। यस। दौलत कमाना तो मेरा ख्वाब है। वेरी गुड, अगर तुम इस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहते हो तो आज शाम को ब्लू बेल्ट क्लब आ जाना। ये रहे कुछ पैसे, अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना, क्योंकि वो अमीरों का बाजार है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे उठा लेता हूं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।